ये 28 तारीख को पूरी कौम इंशाअल्लाह ताला खास करके खैबर पख्तूनख्वा वाले चीफ जस्टिस शहीद आईने पाकिस्तान जस्टिस बुकार सेठ चौक जिसको डी चौक कहते हैं उसमें पहुंचेंगे। इमरान खान से इस्तीफा होगा, मुशर्रफ को इलामती तौर पर उसके पुतले को फांसी दी जाएगी ताकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुश हों कि गैरतमंद चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया था आइन की पासदारी के लिए और उस दिन इंशाल्लाह ताला उस चौक का नाम जस्टिस शहीद आइन पाकिस्तान जस्टिस बुकार सेठ शहीद। बहुत मुश्किल है, सारी फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, डॉलर्स होते हैं, मेरे पास भी होते हैं। क्या बात है यार, वो चाइना से डॉलर्स ही आ रहे हैं और डॉलर 70 रुपए का होता है। आटा जो है 1600 रुपए पे लेके आते हैं, घी जो है कोई 250 रुपए किलो होता है। देखो ना, बोले बोले मेरे रिवर्स हो जाएगा जितना तक चला गया। अजी रिवर्स होगा ना, कम से कम इतना हो जाएगा। देखिए गंदम आपके घर की है तो आटा क्यों महंगा है, जवाब तो दे। ये वही शहबाज शरीफ था जिसने स्मगलिंग रोकी हुई थी और मुल्क भर में एक रेट चल रहा था और खालिस आटा मिलता था। इन्होंने अपनी गंदम बाहर उठा के दे दिया और आज मुश्किल में तो लग नहीं रहा कि आप लोग मेरी बात सुने। जो 3000 रुपये मान आटा खरीद रहा है और दरबान में 3500 रुपये है, वो कहते हैं शहीद की गर्क करो साढ़ा आटा थले ले आओ। सियासी शहीद के इस बात का जब लोगों ने आजमा लिया, वही अतोला का क्या नाम है काजमी साहब ने कॉलम लिखा था 2011 में, आजमाए हुए लोग, असल में बच्चे पढ़ते नहीं। अब लोग फिर मुड़ आ गए हैं, मुड़ के आ जा माइया थे तेरी जोड़ पे। ये नहीं, सियासी शहीद वो होते हैं जिनके नजरियात हो, जिनकी खानदानी पस मंजर हो। ये तो सरे राय आए थे, इनके सर पे कबूतर बिठा दिया, तो कबूतर भी परेशान है मैं किधर बैठ गया। तो साहब से रास्ता छोड़े बेजान ये लगा सके पीछे रह जाए पार्टी एक्शन।